कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के साथ तहसीलदार ने अमानवीय व्यवहार किया है। ढोल नगाड़े बजवाकर सभी को मेंढक की तरह बीच सड़क पर चलाया है। वहीं एक शख्स को भी लात मारते हुए तहसीलदार बजरंग बहादुर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ये पूरी घटना इंदौर की है, जहां कुछ लोग कोरोना नियम का पालन नहीं कर रहे थे और सड़क पर घूम रहे थे। इसी दौरान तहसीलदार बजरंग बहादुर ने इन पर कार्रवाई करते हुए बीच सड़क पर मेंढक की तरह चलने को कहा और आगे ढोल नगाड़े बज रहे थे, मगर इसमें एक युवक जो मेंढक की तरह नहीं चल पा रहा था, उसे तहसीलदार बजरंग बहादुर लात मारते हुए नजर आए। सोशल मीडिया में जब ये वीडियो वायरल हुई तो बजरंग बहादुर की काफ़ी किरकिरी होने लगी कि आखिर तहसीलदार एक युवक को पैर कैसे मार सकता है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद इनकी काफ़ी आलोचना हो रही है और काफ़ी विरोध का इनको सामना भी करना पड़ रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेंढक की तरह किस तरह से लोगों को चलाया जा रहा है और तहसीलदार ने युवक को कैसे लात मारी। आप भी ये वीडियो देखें।